अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी यंग न्यूज और मैं हूं काशिफ हुसैन। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे ब्यूरो चीफ जमील जैदी के मुताबिक मुल्क भर की तरह इंडिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की शान में बीजेपी रुकन की जानब से गुस्ताखाना बयान आने पर बहावलनगर में भी नमाज जुमा के बाद तहरीक लबैक के कारकुनान अपने कायद के अहकाम को मानते हुए रैलियों की शक्ल में सड़कों पर निकल आए और गुस्ताखी करने वाले मुल्क भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली की क्यादत हजरत कारी लतीफ अहमद कादरी, मियां मोहम्मद असलम जोया, मियां फहीम होतियाना, जनाब अमानुल्लाह चौहान, सैयद सादिक शाह और कारी अहमद देने की। रैली का आगाज मॉडल टाउन से हुआ, रफीक शाह चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम अपने आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए हर आग में उतरने को तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को सबक सिखाया जाए। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले की हसासियत को समझे और इंडियन सफीर को फिल फौर निकालते हुए इंडिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। रैली के इख्तिताम पर पीर सैयद सादिक शाह ने मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। मेरे पिता क्यों न समझा कि मेरा रास्ता साफ हो गया।